Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। नगीना और शराफत की शादी को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। नगीना जी, शराफत तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? खुश खुश नहीं, खुश यानी हैप्पी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं खुश होंगी? तुम मुझे वीसीआर पे फिल्में दिखाते हो जबकि आजकल सब लोग डीवीडी यूज़ करते हैं। तुम मुझे पाकिस्तान चौक की बिरयानी खिलाते हो हालांकि आजकल बर्गर का दौर है। तुम मुझे मोटरसाइकिल पर समंदर की सैर कराते हो जबकि तुम बासानी 600 सीसी स्मगलशुदा गाड़ी खरीद सकते हो। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं खुश होंगी शराफत? तुम तो मेरी जान हो। नगीना, आज तुमने मेरे सर पे से बोझ उतार दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी चीज़ से डर तो नहीं लगता? हाँ, वो पुराने मोहल्ले में बेग साहब थे ना, तब उनसे डर लगता था जो अब तक लगता है। बेग साहब? तुम फिक्र नहीं करो, बेग साहब ने अगर तुम्हारे करीब आने की जुर्रत भी की तो मैं इनके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करूंगा कि माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे। ओ शराफत, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। बेग साहब जैसे किरदार माशरे में पाए जाते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं सफारी एवेन्यू की यूनियन से कह के बेग साहब का इंतज़ाम करवा दूंगा। ओ थैंक यू शराफत, इस वक्त मुझे तुम पर इतना प्यार आ रहा है कि गाना गाने को जी कर रहा है। तो फिर गाओ ना नगीना। शराफत और नगीना के घर में एक नौकर भी था जिसका नाम था शानी। शानी एक पुरस्कार और लालची किस्म का आदमी था। जब भी नगीना और शराफत घर पर ना होते वो चुपके चुपके किसी से टेलीफोन पर बात करता रहता। हेलो, हाँ वो दोनों गए हैं, तुम इससे खुलकर बात कर सकते हो। इतना खुलकर भी नहीं कि मेरे कान के पर्दे फट जाएं। वो दोनों जमजमा स्ट्रीट गए, गरीब जैनियत के हैं। हाँ, लेकिन मेरे काम पे अमल दरामद कब होगा? गुड, जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। ओके, एक मिनट रुको, कोई आ रहा है, एक मिनट। हेलो, हाँ वो दोनों आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। कर रहे हो, और जब हम घर से निकले थे तो तब भी तुम इसी चीज की सफाई कर रहे थे। बेगम साहबा, आपको तो मालूम है कि मैं तो सफाई में मैं वो हूँ, यानी वो। अच्छा, चलो चाय तो पिलाओ। जी, अच्छा। नगीना जी। शराफत, मुझे अच्छा नहीं लगता, अलावा तुम किसी और से मुस्कुराकर बात करो। ओहो, तुम तो बहुत शक्की मिजाज हो, तुम्हारा नाम तो मोहम्मद अली शक्की होना चाहिए था। नगीना, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक राज की बात बताऊँ शराफत? जी नगीना। तुम मुझसे जितना भी प्यार कर लो मुझे कम लगेगा। नगीना और शराफत के मोहल्ले में एक फर्ज शनास पुलिस इंस्पेक्टर दोदी भी रहता था। दोदी को पता नहीं क्यों शानी की हरकतों पर शक था। जब भी शानी घर से बाहर जाता तो दोदी उसका ऐसे पीछा करता जैसे शाम के अखबारात के सहाफी फिल्म स्टार मीरा का पीछा करते हैं, खास तौर पर बारिश के सीजन में। एक दिन शानी पुरस्कार तौर पर एक पोटली हाथ में लिए घर जा रहा था कि दोदी ने उसे आ दबोचा। रुको, क्या है इसमें? वो कुछ नहीं सब, वो इसमें। मैं तुझे शक्ल से कोई क्लासिकल मस्करा देखता हूँ जो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। वो साहब इसमें कुछ नहीं है, कसम ले लें। मुझे यकीन है कि इसमें पतली धार का कोई आला है। पतली धार तो मैंने देखी नहीं साहब, क्योंकि मेरे गुर्दे ख़राब है ना, डरा है नहीं साहब जी मुझे। चल दिखा क्या है इसमें, ये देख लें जी। अंडा? जी साहब जी, ऑमलेट खाने का मुझे बहुत शौक है। मेरी बेगम साहिबा और साहिबा दाल चावल के अलावा कुछ खाने ही नहीं देते, और साहब जी मेरे पेट से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे 70 सीसी मोटरसाइकिल की पलक में कचरा जाए। अच्छा अच्छा दादा, बातें नहीं बना, अभी जाके आमलेट खा। आज तो बच गया लेकिन हमेशा नहीं बचेगा। एक दफा का जिक्र है, बल्कि एक दफा का क्या 2 या 3 दफा का जिक्र है कि एक दिन नगीना अपने बाल सुखा रही थी। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उसके पीछे शानी पुरस्कार सी हालत में बाथरूम के अंदर गया और फिर वापस आया। थोड़ी देर बाद नगीना को कोई नया ख्याल आया और वो दोबारा बाथरूम चली गई, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गई तो वहां से नगीना की एक जोरदार चीख सुनाई दी और वो घबराई हुई बाहर आई। क्या हुआ? वो अंदर मर्डर यानी कत्ल। हाँ, अंदर लाश। किसकी लाश? ओहो, यहीं खड़े खड़े सारे ड्रामा खत्म करवा दोगे, अंदर जाकर भी देखोगे। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? ओह माय गॉड, बेग साहब का कत्ल। अब क्या होगा? मर्डर, कत्ल, लाश। क्या हो गया बेगम साहिबा? बेग साहब का कत्ल हो गया है बाथरूम में। बेग साहब का कत्ल? क्या? और फिर वही हुआ जिसका डर था। इंस्पेक्टर दोदी कत्ल की तहकीकात करने नगीना और शराफत के घर दाखिल हो गया। उसे तो पहले ही शानी पर शक था, अब उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था, क्योंकि शानी के चेहरे पर ऐसी शर्मिंदगी के आसार थे जैसी एक फील्डर के कैच छोड़ने पर होते हैं। कितने आदमी थे? सरदार 3। जी सरदार। मेरा मतलब यह है कि जब घर में कत्ल हुआ उस वक्त कौन कौन मौजूद था? एक मैं, 2 सरदार, आपको उठा के हम 3 थे घर में। दिलचस्प। आखिरी बार बाथरूम में कौन गया? नहीं, मैं नहीं, सुबह जमादार आया था सरदार, वही गया था। झूठ बोल रहे हो। बाथरूम में शानी के कदमों के बदनुमा दाग। आपको कैसे पता चला? इसकी हवाई चप्पल के निशान पानी के टब में तैरते पाए गए। ये 20 रुपए वाली हवाई चप्पल पहनता और वो भी ठेले से खरीद। सरदार, पानी के ऊपर पैरों के निशान कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे मिस्टर शराफत कि इस घर में मैल सिर्फ एक आदमी के पैरों और एड़ियों पर होता है। नगीना के पैर तो शीशे की तरह साफ हैं और आप हर वक्त जूतों में रहते हैं। क्यों शानी? साहब, आखिरी दफा बाथरूम में किया था, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। डडन डडन बोला, अब बोला। इंस्पेक्टर दोदी ने कमाल चालाकी के साथ शानी का मुंह तो खुलवा लिया, लेकिन उससे इकबाल जुर्म न करवा सका। अगले दिन दोदी ने शराफत के बाथरूम का चक्कर लगाया और लाश की बू से बचता हुआ ध्यान से अपने कदम रखता हुआ मुतासरा हिस्से का अपने चश्मे में लगे मैग्नीफाइंग ग्लास से मुआयना करता रहा और फिर थोड़ी देर में मुस्कुराता हुआ शराफत के ड्राइंग रूम आया। नगीना बीबी, जी। ये बताइए कि आपके मकतूल से कैसे मरासिम को? जी वो असल में शाहरुख साहब। मैं शाहरुख नहीं हूँ। सरदार साहब, आप फर्स्ट टाइम इस घर में आए थे तो आपने कहा था कितने आदमी हैं, मुझे आप अमजद खान लगे थे। मैंने आपसे सवाल नहीं किया है, आप ज़्यादा शाहीन सलाउद्दीन बनने की कोशिश ना करें। जिससे सवाल किया जा रहा है उसको बोलने दें। गो अहेड। तो ये बताइए कि आपके मकतूल से कैसे ताल्लुकात थे? जी मुझे उससे डर लगता था। और आप जब आखिरी दफ़ा बाथरूम गई तो वो वहाँ था? नहीं। क्या आप सच बोल रही हैं? जी। झूठ झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि जब आप वहाँ गई तो वो वहाँ ऑलरेडी मौजूद था। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो ऐसे मिस नगीना, क्योंकि आपके कंधों पर अभी भी उसके नन्हे नन्हे हाथों के निशान हैं। नगीना, यकीन करो शराफत, मैंने सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम गलत ना समझ बैठो तुमसे ये बात छुपाई थी। ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके कातिल नहीं हूँ। मैंने तो आज तक एक मच्छर नहीं मारा, मैं उसको क्या मारूंगी? मुझे इस बात का पता है। क्या पता है अनिल कपूर? तुम्हें किसी पाकिस्तानी एक्टर का नाम नहीं आता? क्या करें ऋषि कपूर, उनके पिटे हुए ड्रामे हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं तो उन्हीं के एक्टरों के नाम याद रहेंगे। ऋषि कपूर। जी हाँ, खैर कातिल आप। हाँ आप भी नहीं। मामला तो एंजली मलिक के बालों की तरह पेचीदा हो रहा था और शराफत और नगीना के दरमियान फासले भी बढ़ते जा रहे थे। नगीना और शानी तो अब कुछ रिलैक्स्ड नजर आ रहे थे, लेकिन शराफत का चेहरा अचानक एक ऐसे अदाकार की तरह हो गया जिसे सेट पर स्क्रिप्ट याद करके आने को कहा गया हो। शराफत। जी नगीना। क्या कह रहे हो, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। मेरा मतलब है जी वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद साहब का इंतकाल हो गया, आप उन्हें तो बख्श दें। ये बताइए कि बेग साहब के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? अबे बेग साहब, अल्लाह पाक की कसम, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 स्टार हैं। मैंने फिल्म स्टार बेग साहब की बात नहीं कही है, मकतूल बेग साहब की बात की। बेग साहब के बारे में मेरे ख्याल देखें मिस्टर शराफत, अगर आप इस वक्त कुछ भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो ना कीजिए, क्योंकि आपकी वो कोशिश नाकाम हो जाएगी। आपका जो ये चेहरा है ना, ये एक रिश्वतखोर डायरेक्टर के चेहरे की तरह है। आप कुछ भी छुपाएंगे तो वो अभी सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा क्योंकि मुझे जेल की सलाखें काटनी नहीं आती। अच्छा तो ये बताएं कि बेग साहब के बारे में क्या ख्याल थे आपके? मुझे बेग साहब से डर लगता था। उन्होंने पहले भी बाथरूम की खिड़की से आने की कोशिश की थी। क्या? हाँ नगीना, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे उनके साथ बदतमीजी करनी पड़ी। वो शराफत, तुम कितने वो हो। ऐसा नहीं है शराफत साहब, बात दरअसल ये है कि आपको खुद भी बेग साहब से डर लगता था। क्या? और आपको पता था कि उस वक्त बेग साहब बाथरूम में मौजूद है, लेकिन आपने जानते पूछते हुए नगीना को नहीं बताया क्योंकि आप खुद उससे खौफजदा। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब जी को उसकी मौजूदगी का इल्म था? वो ऐसे कि अभी आपके साहब ने कहा कि उसने पहले भी बाथरूम की खिड़की से आने की कोशिश की और अभी भी उसकी लाश के निशान बाथरूम की खिड़की में मौजूद है। ओह नो शराफत, तुम इतने बेवफा निकलोगे, मुझे पता नहीं था। नगीना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की तो कोशिश करो। खबरदार जो मुझसे बात भी की तो मैं तुम्हें अब एक उर्दू मीडियम टीवी चैनल समझकर कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। और तुम इसी काबिल हो शराफत। मगर मैंने कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मुझे तो खुद उनसे डर लगता था। अगर ऐसा है मिस्टर शराफत, तो आपके जूतों पे उसके खून के निशान क्यों? क्या क्या क्या? इंस्पेक्टर दोदी कहानी को एक दिलचस्प मोड़ पर ले आया था। नगीना और शानी को यकीन हो चला था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि शराफत है, लेकिन इंस्पेक्टर दोदी अभी भी खड़ा ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने याहू क्लिनिक की कोई अच्छी एपिसोड देख ली हो। मगर कातिल 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 आप भी नहीं। क्या क्या क्यों? ओवर एक्टिंग कम करो, हकीकत बताने का टाइम आ गया है। मैं भी आता हूं। उसके बाद इंस्पेक्टर दोदी कुछ देर तक बाथरूम के चक्कर लगाता रहा और शराफत, नगीना और शानी उसका ऐसे इंतजार करते रहे जैसे कोई पैसेंजर स्ट्राइक के दौरान बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार करता है। ठीक है ठीक है। अरे यार इज्जत राह से नहीं आती, जब भी तो पब्लिक इज्जत नहीं करती। खामोश। तो आप तीनों सच सुनने के लिए तैयार हैं? जी जी शाजिया अफगन। मैं शाजिया अफगन नहीं हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरा मेकअप तो ठीक है? हाँ ठीक ही होगा अगर इंडस के मेकअप आर्टिस्ट रशीद से कराया। तो आप सब रेडी हैं? जी। नाम बताइए, लाश उठाइए। ये जानने के लिए कि कातिल कौन है। अब बता भी दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा मिस्ट्री थिएटर के एक्ट्रेस की तरह दम निकला जा रहा है। कातिल 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 ये 3 दफा क्यों बोलते हैं आप? ताकि आपको यकीन आ जाए। कातिल आप तीनों में से कोई भी नहीं। ओए शुक्र खुदा का। यार मैं तो पप्पू भाई को फोन करने वाला था क्योंकि साहब मैं समझ रहा था कि गरीब होने के नाते आखिर में मैं ही फंसूंगा। फिर कातिल कौन है तलत हुसैन साहब? तलत हुसैन? आप इतना पॉज ले रहे हैं तो मैं आपको तलत हुसैन समझ बैठा। कातिल कोई भी नहीं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप बाथरूम में नहाने के लिए घुसी तो बेग साहब खिड़की के पीछे पहले ही मौजूद, लेकिन आपने बेग साहब को नहीं देखा। लेकिन नहाने के बाद जैसे ही आपने अपना वो 2 नंबर का टल्कम पाउडर अपने मुंह पे लगाया, वो बेग साहब के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुआ क्योंकि वो उनकी नस्ल के लिए ठीक नहीं। वाकई देखा शराफत, तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि बोहरी बाजार से कॉस्मेटिक्स क्यों खरीदती हो, जमजमा से खरीदा करो। देखा 2 नंबर चीजों का फायदा। मगर आप कैसे कह सकते हैं कि बेग साहब का कत्ल टेलकम पाउडर की वजह से हुआ? वो ऐसे असलम शेख। ये कौन है? ये वो है जिनकी मैंने अभी FIR काटी। वो ऐसे कि वो टल्कम पाउडर असल में टल्कम पाउडर नहीं था बल्कि कीड़े मकोड़े मारने वाला एक पाउडर था जिसकी बू सूंघते ही कीड़े मकोड़े उल्टे होके मर जाते। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता है तो लाश को देखो। जेब में लाश? लाल भी? देखो शराफत, ये बेग साहब बढ़ने के बाद लाल बेग की जगह नीला बेग हो गए हैं। इंस्पेक्टर हम लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे क्योंकि इसकी वजह से हम तीनों में शक पैदा हुआ। उसका इंतजाम मैं खुद भी कर दूंगा, सर्द खाने में रखवा लूंगा, जब चाहिएगा पोस्टमार्टम करा लीगा। जी ईदी के कारकुन सोराब कोट वाले। मगर इंस्पेक्टर साहब वो शराफत के पैरों पर इसके खून के निशान? दरअसल नगीना तुमसे पहले बाथरूम मैं गया था और गलती से मेरा पैर बेग साहब पर। बचत हो गई 1 2 3 तीनों, वरना आज तुम तीनों में से कोई एक शर्मिंदा होगा। सर जी एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। There's something I want you to know. You're an intelligent police officer. You should be a sitcom writer instead of a police officer. दे जवाब दे अब। अंग्रेजी हमें भी आती है लेकिन बोल के छिचोरपन नहीं करेंगे। The death of a lal beg can create shock in Mia Biwi's love.